नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोस्ट रोज प्लान के बारे में और इसके केयर के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मोस्ट रोज का प्लांट ये परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है, पर जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है या बरसात का मौसम स्टार्ट होता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में कलर फ्लावरिंग होती है। देखिए दोस्तों, इससे दो तीन रीजन हो सकते हैं, और सबसे बड़ी जो रीजन है वो दोस्तों फर्टिलाइजर की। देखिए, आपके गार्डन में जो प्लांट है, अगर आपको लगता है कि मेरा जो प्लांट है पूरे साल कलर फूलों से भरा रहे, तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ जो हमारे जो प्लांट है, जो मोस्ट रेज का प्लांट है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कलिया या फ्लावरिंग लाने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी इसमें दोस्तों पाए जाएंगे। पर देखिए, सिर्फ फर्टिलाइजर देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ऐसी बेसिक नॉलेज है जो आपके पास अवश्य होनी चाहिए, और दोस्तों कुछ ऐसे ज़रूरी काम है जो आपको पोर्टल के प्लांट में हर महीने में या दो महीने में एक बार करना काफ़ी आवश्यक होता है। अगर वो काम आप नहीं करते हैं तो आपका जो प्लांट है, आप इसे कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर देंगे तो आपके प्लांट में ना ही कलियाँ आएगी ना ही फ्लावरिंग होगी। अगर बाय चांस इसमें फ्लावरिंग आ भी गई तो बहुत ही कम मात्रा में, और जो फूलों की साइज होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है। तो देखिए दोस्तों, वो कौन कौन से दोस्तों काम है जो हमें करना है, और कौन सा वो फर्टिलाइजर है जिसे हमें महीने में एक बार आपके गार्डन में जो भी पोर्टल का प्लांट है उसमें यूज करना है, इसकी सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पोर्टुलका का प्लांट, इसे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। इसे दोस्तों पोर्टुलका मोस्ट रोज 9 o'clock और ऑफिस टाइम भी इसे कहा जाता है, और जितने इसके दोस्तों अलग अलग नाम है उतने इसके बहुत सारे कलर के आपको प्लांट भी दिखाई देंगे। देखिए, मेरे गार्डन में कम से कम 7 से 8 अलग अलग कलर के और अलग अलग वैरायटी के दोस्तों पोर्टुलका का प्लांट है, और ये जो प्लांट है बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा देते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, और इसे कम केयर में और कम फर्टिलाइजर में बहुत ही अच्छी तरह से ये दोस्तों सर्वाइव कर जाता है। पर देखिए, कुछ बेसिक बातों का अगर नॉलेज आप रखते हैं या बेसिक बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पोर्टल का प्लांट है यानी मोस्ट रोज का जो प्लांट है पूरा साल कलियर फूलों से भरा रहेगा। देखिए, इनमें सबसे पहले जो बात आती है वो है सनलाइट की। देखिए, जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है यानी मार्च से जून तक, जब तक बारिश नहीं होती है, हमारे जो अदर प्लांट होते हैं वो तेज धूप के कारण पूरी देर स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उसी टाइम ये जो प्लांट है अपने बाहर में आ जाता है, और ये प्लांट हरा भरा होने के साथ साथ कलर फूलों से भर जाता है। पर जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है या सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, इसमें बहुत ही कम मात्रा में कलर बनती है, और जो फूलों की साइज होती है वो भी काफ़ी छोटी होती है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न यही है कि बरसात के मौसम में कभी कभी आप देखते हैं कि 3-4 दिन तक सूरज निकलता नहीं है, और सर्दी के मौसम में भी यही प्रॉब्लम है। सर्दी के मौसम में जो धूप निकलती है वो प्रॉपर तरीके से हमारे प्लांट को मिल नहीं पाती है। तो देखिए दोस्तों, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, अगर सर्दी का मौसम जैसे ही स्टार्ट होता है और इसमें कलियाँ बहुत ही कम मात्रा में अगर बनने लगती है, तो उस प्लांट को आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिलती हो, क्योंकि धूप इस प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गर्मी के मौसम में इसे 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है तो भी काफ़ी हो जाता है, पर सर्दी के मौसम में इसे पूरे दिन की धूप मिलनी चाहिए। इसके बाद जो सेकंड जो मेन बात आती है जिसको आपको फॉलो करना है, वो इसका हार्ड प्रूनिंग या सॉफ्ट प्रूनिंग करना। देखिए, आपके गार्डन में जो भी मोस्ट रोज के प्लांट है उसमें जब फ्लावरिंग आती है तो जब फ्लावर मुरझा जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि जो सीड्स है वो रेडी होने लगते हैं, और किसी भी प्लांट की अगर सीड्स रेडी होते हैं तो उसमें दोस्तों जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और उसी के साथ साथ उसमें नई कलियाँ दोस्तों बनना बंद हो जाता है। तो आपके गार्डन में जो भी मोस्ट रोज के प्लांट है आपको चेक करना, अगर उसमें दोस्तों सीड्स आ रहे हैं तो सबसे पहले उसे आपको रिमूव कर देना है, या आपको पूरी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको हार्ड प्रूनिंग कर लेना है। अगर सीड्स रेडी होंगे तो जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारा जो प्लांट है उसी पर अपने जो सीड्स है उसे रेडी करने में लगा देगा, और उसमें कोई भी कलिया या फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो है वाटरिंग की। आपके गार्डन में जो भी मोस्ट रोज के प्लांट है उसमें जब भी आप वाटरिंग करते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन के गैप में आपको पानी देना है, ज़्यादा पानी की इसे आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि ये जो प्लांट है इसे जितनी ज़्यादा मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है उतनी कम मात्रा में इसे पानी की भी आवश्यकता होती है। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो इसके जो रूट्स हैं उसमें दोस्तों फंगस पकड़ सकता है, और इसके कारण आपका जो प्लांट है वो कमज़ोर हो जाएगा और उसमें कोई भी कलियाँ या फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में आपको पानी देना है। देखिए, आपके गार्डन में जो भी मोस्ट रोज के प्लांट है उसमें जब भी आप पानी देते हैं तो जितना हो सके आपको शाम को ही देना है। अगर आप सुबह सुबह पानी देते हैं तो जो पानी हम देते हैं वो जब फूलों पर पड़ता है तो वो फूल अच्छी तरह से खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है यानी जो फ्लावर है बहुत ही कमज़ोर होते हैं।
इसके लिए जितना हो सके आपको शाम को पानी देना है। देखिए इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है यानी चौथा जो पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। आपकी गाड़ी में जितने भी लोसो मोसरोज के प्लांट है उसमें जितना हो सके आपको लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर बना कर देना है। और आज वीडियो में हम लिक्विड बेस में जो फर्टिलाइजर से बनाकर इसे किस तरह से यूज करना है और कैसे बनाना है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे गार्डन में जो मोसरोज के प्लांट है और इसके लिए जो हम लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए जो भी हमारे गार्डन में जो अदर प्लांट है उसमें जब हम लोग ड्राई बेस में या सॉलिड बेस में जो फर्टिलाइजर देते हैं तो देने से पहले जो गमले की मिट्टी है उसे नॉर्मल से हम लोग गुड़ाई करते हैं या फिर मिट्टी में उस फर्टिलाइजर का हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पर देखिए मोसरोज का प्लांट है ये पूरी तरह से गमले में फैला होता है, इसके लिए हम लोग दोस्तों इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई नहीं कर पाते हैं ना इसे गमले की मिट्टी में मिक्स कर पाते हैं। इसके लिए जितना हो सके आपको लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर बनाकर ही आपके गार्डन में जो भी मोसरोज के प्लांट है सभी प्लांट में आपको देना है। तो देखिए मैंने इसके लिए 5 लीटर पानी लिया है। आपके गार्डन में जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी ले लेना है। और देखिए इसमें हम लोग दोस्तों 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट। देखिए इसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी फास्फोरस इसमें 46% पाया जाता है और नाइट्रोजन इसमें 18% पाया जाता है। यानी हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी आप लोगों ने हार्ड प्रूनिंग की है या सॉफ्ट प्रूनिंग की है तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा ब्रांचेस लाने में और उस ब्रांचेस में ज़्यादा ज़्यादा कलर लाने में ये दोस्तों इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके लिए हम डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5 लीटर पानी लेते हैं तो 5 लीटर पानी में आपको कम से कम आधा चम्मच डीएपी का इस्तेमाल करना है। देखिए डीएपी एक रासायनिक फर्टिलाइजर है, इसके लिए आपको महीने में 1.5 महीने में एक ही बार आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसका जो रिजल्ट है ये आपको दोस्तों 3 या 4 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ हम लेने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और सल्फेट होता है और इसके कारण हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके नई ग्रोथ के लिए और दोस्तों जो पत्ते हैं वो पत्तों में ग्रीनरी लाने के लिए इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसके जो पत्तों का हरा कलर है वो दोस्तों क्लोरोफिल की वजह से आता है और क्लोरोफिल की मात्रा अगर ज़्यादा रहती है तो हमारे जो प्लांट है उसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनाने की क्रिया है वो बहुत ही फास्ट होती है। और देखिए एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट हमारे गार्डन के जो प्लांट है उसमें हरा कलर लाता है यानी क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ाता है और इसके कारण जो पत्तों में खाना बनाने की क्रिया है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसके लिए किसी भी प्लांट की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें कोई भी कलियां या फ्लावरिंग नहीं बन रही है तो एक बार इसका इस्तेमाल करके देखें, आपको दोस्तों जादू की तरह यह काम करता है। और इसके लिए दोस्तों खेती में गार्डनिंग में और नर्सरी में इसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो देखिए दोस्तों 5 लीटर पानी में आपको दोस्तों 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। और इसमें जो हम नेक्स्ट चीज़ यूज़ करने वाले हैं वो है कॉफ़ी का पाउडर। जो 2 रुपये का पैकेट मिलता है वो आपको 5 लीटर पानी में दोस्तों एक पूरा डाल देना है यानी आधा चम्मच आपको कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। देखिए कॉफ़ी के पाउडर में भरपूर मात्रा में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ अगर हम गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो नॉर्मल से गमले की मिट्टी है वो एसिडिक बन जाती है और खासकर जो फूलों वाले प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है। इसके लिए दोस्तों हम लोग कॉफ़ी का पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए जो कॉफ़ी का पाउडर है इसकी और एक खासियत है, अगर इसे गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो नॉर्मल से दोस्तों भुरभुरी बन जाती है और हमारे जो भी प्लांट है उसे भुरभुरी मिट्टी काफ़ी पसंद होती है। तो इसके लिए दोस्तों ये 2 टाइप से हमारे प्लांट में काम करता है, एक तो हमारे जो प्लांट है उसे न्यूट्रिशन भी मिलता है और इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी है उसे दोस्तों हेल्दी भी बनाता है। इसके लिए आपको महीने में कम से कम एक बार इसका अवश्य यूज करना चाहिए। और देखिए मोसरोज के लिए जो हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर बनाया है उसका आपको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, इसे कम से कम आपको आधे से 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हम लोगों ने इसमें जो डीएपी का इस्तेमाल किया है वो डीएपी के दाने अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो सके। और इसके बाद ही आपके गार्डन में जो भी मोसरोज के प्लांट है सभी प्लांट में आपको 100 से 150 ml इसका इस्तेमाल करना है। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है आपको महीने में दोस्तों एक ही बार इस्तेमाल करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए आपके गार्डन में जो भी मोसरोज के प्लांट है अगर आपको लगता है कि सर्दी के मौसम में वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरे रहे तो देखिए सिर्फ फर्टिलाइजर देकर काम नहीं चलेगा। जिन जिन बातों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसको आपको फॉलो करना है और उसके बाद जो फर्टिलाइजर मैंने बना के दिखाया है उसका आपको इस्तेमाल करना है। देखिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि मोसरोज का जो प्लांट है सिर्फ गर्मी के मौसम में इसमें दोस्तों कलियां फ्लावरिंग होती है, पर ऐसा है नहीं। जिन जिन बातों का मैंने आपको बताया उनको अगर फॉलो करेंगे और जो फर्टिलाइजर मैंने बना के दिखाया है आपको महीने में अगर एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मोसरोज का प्लांट है तीनों सीजन में यानी बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में भी आपका जो प्लांट है उसमें कभी भी कलियर फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी और आपका जो गार्डन है हमेशा दोस्तों कलियर फूलों से भरा दिखेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।